किया गया। मामला महमदाबाद तहसील के सियाड़ी गांव का है, जहां किसानों को फसल के सरकारी मुआवजे में जमकर खेल किया गया। वर्ष 2019 में आई बाढ़ में सियाड़ी गांव में बड़ी संख्या में किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। सरकार की ओर से किसानों को राहत देने की धनराशि दी गई, लेकिन सरकारी अफसरों ने धनराशि वितरण में भी खेल कर दिया। अफसरों ने कई किसानों को कई बार मुआवजे की धनराशि दी, जबकि तमाम किसानों को मुआवजा मिला ही नहीं। आरोप है कि घूस लेकर अफसरों ने अपात्र किसानों को मुआवजे की धनराशि दी। अब पीड़ित किसान प्रशासन से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन जांच कार्रवाई के नाम पर मामले पर पर्दा डाले हुए हैं। सर, मामला यह है कि खरीफ फसल 2019 में बाढ़ आई थी और उसमें हम लोग का फसल नष्ट हो गया था। इस संदर्भ में सरकार द्वारा इस वर्ष मुआवजा भेजा गया था 11,60,000 रुपया, जिसमें तहसीलदार महोदय और लेखपाल द्वारा मिलकर कूट रचना करके बहुत से किसानों को दो बार, जिसके पास खेत कम है उसको 26,000 का पेमेंट किया गया, जबकि सर्किल रेट 13,000 रुपया हेक्टेयर। और जो किसान आवेदन किए थे या उच्च न्यायालय गए थे, उनको 1 रुपया नहीं दिया गया। और बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार ने डिवाइड